अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास बेटा, आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर्स ही होंगे लेकिन हम अब इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे जो है डिवीजन मेथड से। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर बेटा बिल्कुल सेम है। यहाँ पे पॉइंट वाले नंबर्स में हमें सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि पॉइंट कब नंबर में ऊपर आंसर में आएगा। ठीक है, अगर तो पॉइंट से पहले ही ज़ीरो है तो फौरन, जैसे हम डिवीजन के क्वेश्चन में भी करते थे फौरन ऊपर भी जीरो पॉइंट लगाते थे, तो यहाँ पे भी उसी तरह जीरो पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को कि कौन किस टेबल में आता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, नंबर को इस तरह बना के लिख देते हैं 0.3249। ठीक, अच्छा ये याद रखिएगा कि पहले हम जो नंबर्स को करते थे तो हम एरोज़ जो मैंने आपको बताए थे वो हमेशा जो थे बैकवर्ड लगा रहे थे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे। लेकिन ये याद रखें कि जो जब डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, एक्चुअली उनमें जो पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है यानी डेसिमल पोर्शन जो होता है, उसमें एरोज़ की डायरेक्शन राइट साइड पर होती है, जबकि जो आपके पॉइंट वाले नंबर्स के पॉइंट से पहले वाला पोर्शन होता है यानी होल नंबर जिनको भी कह सकते हैं, उनका जो होता है पेयरिंग जो बनाते हैं वो लेफ़्ट साइड की तरफ एरोज जा रहे होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ लिख के भी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें बेटा कि अगर आपके पास इस तरह 2.7825.98 ये कोई नंबर दिया हुआ, ठीक है, और आपको उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, तो आप पॉइंट से पहले वाले नंबर्स जो हैं उनका एरो बैक साइड पे पेयर्स बनाना शुरू करेंगे। अब इस 2 के साथ तो किसी का पेयर नहीं बन सकता, तो 2 अकेला आएगा, यानी कि 2 हमने स्क्वायर में लेके आना होगा, स्क्वायर रूट में सॉरी, और ऐसा नंबर सोचना होगा कि जिसका स्क्वायर 2 हो। ठीक, और लेकिन पॉइंट के बाद जो डेसिमल वाला पोर्शन है उसमें पेयरिंग की डायरेक्शन राइट साइड पर होती है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। अब देखें क्वेश्चन में ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट है यानी पॉइंट से पहले तो कोई नंबर ही एक्चुअली नहीं है, तो हमारे जो पेयर्स हैं वो ऐसे बनेंगे। ठीक है, यानी कि पहले हमें 3 नहीं चाहिए बल्कि 32 चाहिए। अब आप सोचें, अब क्योंकि जैसे डिवीजन में करते थे यहाँ पे भी ऊपर क्योंकि पॉइंट है और हमें पहला नंबर ही जिसको 32 चाहिए वो पॉइंट के बाद वाला है, तो पॉइंट के बाद वाला जैसे ही नंबर हम उसका फाइंड करने लगे, उसको सॉल्व करने लगे, तो ऊपर पॉइंट आ जाता है, तो फौरन पॉइंट लगा दिया। अब मुझे पॉइंट के बाद पहला नंबर क्या है, 32 वो चाहिए। अब कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 32 हो या इसके करीब हो, तो आपको पता है 5 5 ज़ार 25, 6 6 ज़ार 36 होता है, 36 तो 32 से बड़ा हो जाएगा, तो 5 5 ज़ार 25 ही करेंगे। मैंने आपको बार बार बताया था कि स्क्वायर रूट है तो हमें इसमें हर नंबर का स्क्वायर चाहिए होगा, यानी हर नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 ज़ार 10, 7 3 ज़ार 21, इस टाइप का जैसे डिवीजन के क्वेश्चंस में होता था बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं होता। तो 32 तो नहीं आ रहा, उसके करीब तरीन नंबर क्या है, 5, तो 5 5 ज़ार 25। अब याद रखें बेटा यहाँ पे हमें पॉइंट सिर्फ ये बता रहा है, इसकी हेल्प से ये पता चलता है कि हमने ऊपर आंसर में पॉइंट कहाँ लगाना है, बाकी कहीं पे भी हमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये कन्फ्यूज़न आप ना नहीं आनी चाहिए आपके माइंड में कि 0 पॉइंट मैडम ने 0.25 क्यों नहीं लिखा, डायरेक्ट 25 ही लिखेंगे, 0 पॉइंट की वजह से ऊपर पॉइंट आ चुका है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब ये देखें, अब मैंने क्या बताया था कि जो नंबर आया होगा उसको आपने क्या करना है, अपने अंदर ही ऐड करके नीचे लिख देना, तो 5 में 5 प्लस किया तो क्या बन गया, 10, तो नेक्स्ट स्टेप में पहले तो 10 आ गया। अब हमें पहले इनको माइनस करते हैं, 2 में से 5 गए तो कैरी लेंगे हम, 12 बन गया, 12 में से 5 गए 7 और 2 में से 2 गए 0, तो 0 नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट पेयर का उतरता है, मैंने आपको बताया था ना, नेक्स्ट पेयर क्या उतरेगा, 7 के साथ 49, 749 आ गए। अब ये देखें बेटा यहाँ पे हमने 5 में 5 ऐड करके 10 भी बना दिया, अब हमने नेक्स्ट नंबर इसके साथ वो लगाना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करूँ, तो 749 आए। ठीक है, तो देखने इसके एंड में 9 होना, वो या तो 3 3 3 ज़ार 9 होता है उसके एंड में 9 आता है, या 7 7 ज़ार 49 उसके एंड में भी 49 के एंड में 9 आ रहा है, तो या तो 10 के साथ 3 लगेगा या लगेगा 7। हम रफ़ करके देख लेते हैं, 10 के साथ 3 3 3 ज़ार 3 है तो 3 से ही मल्टीप्लाई। ठीक है, मैंने पहले भी एरोज़ लगा के बार बार आपको बताया था, देखें ये नंबर रिपीट हो रहा है जो नया वाला हम लगा रहे हैं ना 10 के साथ, 3 3 ज़ार 9, 3 0 ज़ार 0, 3 1 ज़ार 3, ये तो नहीं आया, इट मीन्स हम 7 लेंगे। ये गेस करना आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस करके आ जाएगा, 7 7 ज़ार 49,
फोर कैरी, 7 0s are 0, 4 एज इट इज़, और 7 1s are 7। 0 में 4 प्लस करें तो 4 ही आता है, तो हम लोग अक्सर ये करते हैं कि 7 7s are 49 पूरा ही कह देते हैं कि लिख दें, क्योंकि नेक्स्ट नंबर 0 जो है। ठीक है, अब देखें 7 49 आ गया ना, इट मीन्स हमने 10 के साथ क्या लगाना था, 7, यहाँ पे भी 7, ऊपर भी 7, यहाँ या 7 49, रिमाइंडर इज 0। तो इट मीन्स के हम यहाँ पे लिखेंगे 0.3249 का स्क्वेयर रूट क्या आया है, 0.57। आपके पास तो बेटा कैलकुलेटर्स होंगे, आप डेसिमल वाले पॉइंट्स जो क्वेश्चंस हैं, इवन दूसरे भी जो क्वेश्चंस आपने पहले किए हैं, उनमें आंसर पहले ही फाइंड करके चेक भी देख सकते हैं कि आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चल लें, प्रोसीजर कर लें, और ये भी चेक कर भी कर सकते हैं कि सॉल्व करने के बाद आप चेक कर लें कि हमारा आंसर सही है या नहीं। ठीक है, अब मैं आपको, ये तो एक शॉर्ट क्वेश्चन था, मैं एक ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको करके दिखाती हूँ जिसमें ज़्यादा नंबर्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी 8th पार्ट देखें बेटा। एट्थ पार्ट में देखें बेटा, क्वेश्चन इज 0.008686624। ठीक है, ये आपका नंबर है, देखें कितना बड़ा नंबर है। और ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए भी सिलेक्ट किया है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई डायरेक्ट दो जीरो आ गए, कोई नंबर नहीं आया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले हम डिवीजन करनी है, उसके लिए बना लेते हैं 0.008686624। पेयरिंग आपको मैंने बताई थी इस साइड से राइट साइड को। ठीक है, पेयर्स बना लिए। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, पॉइंट के बाद ज़ीरो दे। ठीक है, एक तो पॉइंट से पीछे कुछ भी नहीं है, तो हमें पहली दफ़ा ही पॉइंट के वाला पोर्शन, डेसिमल पोर्शन यूज़ करना है, तो इसलिए ऊपर 0 पॉइंट आ गया। ठीक, पहली बात तो ये। अब पॉइंट के बाद ज़ीरो चाहिए, तो ज़ीरो को किससे मल्टीप्लाई करें, ज़ीरो को ज़ीरो से ही मल्टीप्लाई करो तो ज़ीरो आता है ना, लेकिन हम वो लिखते नहीं हैं। मैंने आपको नोट्स में ये क्वेश्चन जो करवाया भी है, नीचे समझाने के लिए बताया है कि असल में ज़ीरो को ज़ीरो से ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो .00 आ जाता है, वो स्टेप हम करते नहीं हैं। मैंने आपको सिर्फ नोट्स में भी समझाने के लिए बताया है, आप हमेशा उस नंबर ज़ीरो को छोड़ देते हैं, इन डबल ज़ीरोस को, और नेक्स्ट वाले नंबर को देखते हैं कि वो लेके आना है हमने, यानी 86 चाहिए हमें। अब आपको पता है 86 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसके नियरेस्ट कौन है जो स्क्वायर है, 81, 9 का स्क्वायर है। तो बेटा हम क्या करेंगे, हमें 86 लेके आना है, तो हम इन दो जीरोस को क्या करेंगे, हर नंबर देखो बेटा स्क्वायर होता है, यानी 2 टाइम्स आता है ना, तो 86 जो है वो 9 9s are 81 आता है, 99 को 99 से करके तो नहीं मल्टीप्लाई की आया ना 86, यानी यहाँ पे दो डिजिट्स हैं, तो हम दो डिजिट्स वाले नंबर्स को ही तो स्क्वायर नहीं ना लेते, हम एक नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई कर उसी के अपने आप से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बनाते हैं। तो यहाँ पे भी ज़ीरो जो है 00, तो ऊपर 00 नहीं लगाएंगे बल्कि 10 लगाएंगे। ठीक है, एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 00 है तो ऊपर 10 हमेशा आधा लगता है। स्क्वायर रूट आपको पता है ना, स्क्वायर रूट क्या करता है, स्क्वायर को ख़त्म करता है। इस तरह 02 है, यानी 02 times है, तो वो 1 ऊपर आएगा। ठीक है, होपफुली आपको आप बात से ज़्यादा समझ आई होगी। अब 86 चाहिए, तो मुझे 81 उसके करीब तरीन है, तो मैं क्या करूँगी, 9 के टेबल में 9 9s are 81। ठीक है, नोट्स में मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.0081, आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि ना लिखें, जस्ट 81 ही लिखें जैसे हमने पीछे किया था। ठीक है, बल्कि ये दो जीरोस लगा दी। ठीक है, अब ये पूरा हमारे ये नंबर आ गया, इनको माइनस करेंगे, 6 में से 1 गए 5, 8 में से 8 तो 0 होता है, नेक्स्ट पेयर उतार लें 86। अब हमने क्या करना है बेटा, इस 9 में 9 को ही ऐड करना है, तो क्या आएगा अगले स्टेप में, 18, 9 और 9 को प्लस किया 18 आ गया। अब हमने इसके 18 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना है कि मेरे पास क्या आए, 586। तो आप देखें बेटा, हम देखते हैं, लगा के देख लेते हैं, 18 के साथ 1 लगाऊंगी तो 181 1000 पे आता है, 181 वो तो काफ़ी कम है, तो 118 के साथ मैं 2 लगा के बताती हूँ। ठीक है,
हम कैलकुलेटर भी करते हैं, यहाँ जल्दी होगा। देखें बेटा 18, इसके साथ मैंने 2 लगाया और 2 से ही मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्या नंबर आया? 364। अभी भी कम है, हमारे पास 586 है, हमें वो चाहिए। अब क्या करती हूँ मैं 18 के साथ 3 लगाती हूँ, ठीक है, और 3 ही से मल्टीप्लाई भी करती हूँ। 549 586 के बहुत करीब है, तो इसका मतलब है मुझे 18 के साथ क्या लगाना है, 3। और देखो 3 से ही मल्टीप्लाई किया, हो रहा है ना स्क्वायर 3 का, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 3 इधर भी और ऊपर भी, और मेरा क्या नंबर आया था, 549, इट इज़ द नियरेस्ट नंबर टू द 586। अब इनको माइनस करते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर पे ही आपका देखो 549 लिखा हुआ है, आप यहाँ से माइनस करो या कैरी लेके करो। हम क्या करेंगे, ये 549 में से 586 जो है ना उसको माइनस कर देते हैं, बस माइनस ही आया है ना, माइनस ही आया है, इन दोनों को माइनस करके हम नहीं लगाएंगे वहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक होते हैं कि आप कैलकुलेटर को बग़ैर डिलीट किए बार बार पूरा स्टेप किए कैसे तेज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इसको कहते हैं, ताकि आपका टाइम बचे। तो 586 में से 549 गए तो 37 बचा, ये मैं 37 उधर ऐड उतार लूँगी। अब उससे नेक्स्ट पेयर कौन है, 24, वो उतरेगा इस जगह पे, इसके साथ नया नंबर 3724 है। अब हमने क्या करना है बेटा, ये 18 जो था इसने तो 18 ही रहना है, जो अभी पिछले स्टेप में हमारे पास जो नया नंबर हमने क्या लगाया था, 3 ऐड किया था, तो हमने उसको क्या करना है, नीचे 3 में 3 को ऐड करके 18 के साथ लिख देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, 186, ठीक है। अब हमने 186 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना है कि मेरे पास उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद 3724 आए। अब आपको पता है जी बेटा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर लो तो एंड में 4 आता है, एक तो 2204 यानी 2 का स्क्वायर, और या 3309, 4416, 5525, 6036 के एंड में 6 है, 7749 के एंड में 9 है, 8864, 8 इसके एंड में आ रहा है 4, तो इट मीन्स 8 लगा के देखते हैं, ठीक है, 2 या 8 इनमें से कोई एक होगा। तो करते हैं जी कैलकुलेटर पे, 186 है, ठीक है, 186 इसके साथ पहले मैं 2 लगाती हूँ, 2 और मल्टीप्लाई भी 2 ही से किया, 3724, ले जी आपका नंबर आ गया, तो इट मीन्स हमें सिर्फ 8 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 यानी कि हमने साथ लगाना था, 186 के साथ भी 2, ऊपर आंसर में भी 2, ठीक है, और 37424 आ गया हमारा, रिमाइंडर इज 0, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आया है, स्क्वेयर रूट 0.008686242 जो है उसका स्क्वेयर रूट आ गया है 0.0932, ठीक है, 0.0932, ये बेटा आपका आंसर आ गया है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, मेथड बिल्कुल देखें सिंपल है, बस आपने पॉइंट देख के लगाना है, और आपके पास कैलकुलेटर है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ये देखें, स्क्वेयर रूट इसके अंदर में 0.008686244 लिख के डायरेक्ट आंसर निकाल के भी चेक कर लूँगी, और फिर उन्हीं से डिवाइड करके भी मैं देख सकती हूँ, और या आप प्रैक्टिस करके आप निकाल लें आंसर, और इस तरह चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस बेटा आप लोगों ने करने हैं सेम मेथड को फॉलो करते हुए, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।